कार में कौन कौन सी एसेसरीज है जो की लगानी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं कुणाल कुमार विलर अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि कार में कौन कौन सी एसेसरीज है जो कि नहीं लगानी चाहिए। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो सबसे पहले जो होती है जो आगे की जो बम्पर होते हैं वो अपनी गाड़ी में कभी नहीं लगवानी चाहिए। जो कि जैसे कि हम आपको बता दें कि जो गाड़ी की जो यहाँ पे सेंसर होती है मतलब कि जो एयरबैग की जो सेंसर होती है वो यहीं पर होती है। अगर आपके पास जो बम्पर लगा हुआ है तो सेंसर पर टच करने के बाद ये एयरबैग खुलती है तो टच नहीं कर पाएगी तो एयरबैग नहीं खुल पाएगी। तो आप इसको मत लगवाइए जो कि बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और हम आपको ये बता दें कि जो बम्पर आगे से जो लगते हैं वो स्टील के होते हैं, अगर आप नहीं लगवाते हैं तो प्लास्टिक के हैं। सो अगर इससे पैदल चलते रहिए अगर मतलब कि कुछ लगता भी है तो उसको ये ज़्यादा चोट नहीं लग पाएगा। अगर हम पीछे की बात कर लेते हैं तो पीछे में भी बम्पर नहीं लगवानी चाहिए। जो कि जो यहाँ पे जो सेंसर होते हैं बैक सेंसर वो काम नहीं कर पाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नहीं लगवानी चाहिए। जो कि जैसे कि कुछ चीज़ों से आपको बचा सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको उसको झेलना पड़ेगा, तो इसी कारण आप उसको नहीं लगवाइए जो कि काफ़ी अच्छा होगा। सो जैसे कि बात कर ले जैसे ये मेट है तो मेट अपनी गाड़ी में नहीं लगवानी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं जो एक्सेलेटर्स है वो पूरे एक्सेलेटर नीचे नहीं जा पा रहे हैं। सो अगर हम उसी मैट को हटा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो एक्सेलेटर है पूरे नीचे चले जाएंगे। सो आप देख सकते हैं तो मैट को हम हटा दिए हैं तो आप देखिए ये जो एक्सेलेटर है पूरे नीचे चली गई। सो पहले एक्सेलेटर जो इसकी है नीचे जा रही है, अगर यही मैट रहेगी तो नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं जो कंपनी से मिली हुई है वो ऐसे कटिंग की गई है कि जैसे कि वो एक्सेलेटर दबाए तो एक्सेलेटर को दिक्कत ना पहुँचाए। सो आप देख सकते हैं एक्सेलेटर ब्रेक क्लच अगर यही मैट अगर हम लगा लेते हैं तो जो इसकी एक्सेलेटर है पूरा नहीं दबेगी। सो आपकी गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं जा पाएगी जो इसी कारण इसको नहीं लगवाना चाहिए अपने एसेसरीज में जो कि पूरी एक्सेलेटर नहीं दबा पाती है। सो अब बात कर लेते हैं स्टेयरिंग, जो कि स्टेयरिंग कवर होते हैं जैसे कि मार्केट में मिलते हैं वो नहीं लगवाने चाहिए। जो कि मार्केट में मिलते हैं तो अगर आप फिट करवा रहे हैं तो ढीला रह जाएगा। तो अगर आप कहीं फंसे हुए हैं ट्रैफिक में तो अगर आप उसको घुमाते हैं तो आपकी जो स्टेयरिंग है वो नहीं घूमती है, जो आपकी कवर है वही घूम जाते हैं। सो आपकी गाड़ी को दिक्कत पहुंचा सकती है इसी कारण कि आप उसको मत लगवाइए। और बात कर लेते हैं लट्टू की, जो कि लट्टू जो बहुत लोग लगवा लेते हैं वो नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि कभी कभी वो बहुत ही दिक्कत हो जाता है लट्टू से, जो कि अपनी गाड़ी में वो नहीं लगवाना चाहिए। अगर आप गाड़ी अगर सेफ्टी चला रहे हैं तो अपनी गाड़ी के जो हैंडल होते हैं स्टेयरिंग उसको पकड़ के ही चलाएं, जो कि काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी अच्छा होगा। सो अब बात कर लेते हैं जो शीशे की, बहुत से लोग होते हैं कि जो अपने शीशे की जो ब्लैक करवा लेते हैं तो ब्लैक कराना अलाउ नहीं है। जो कि आप लगा सकते हैं मतलब कि लगा लेते हैं तो आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो सरकार की तरफ से अलाउ नहीं किया गया है। आप कितने परसेंट तक लगा सकते हैं वो तो वो मतलब कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन वो अभी ब्लैक जो है वो नहीं लगवा सकते हैं क्योंकि बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ही लोग लगा लेते हैं कि सनलाइट से बचने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज हमने आपको ये बता दिया कि कौन कौन सी एसेसरीज जो कि गाड़ी में नहीं लगवानी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो चलते चलते हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। और फोर व्हीलर से रिलेटेड कोई भी आपको संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।